बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज। देखो 40,000 के बजट के अंदर जितने भी बेस्ट लैपटॉप आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल मिलते हैं ना, वो मैंने सारे इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। कोई भी मैंने ऐसा लैपटॉप नहीं कवर किया जो कि पुराने जनरेशन के प्रोसेसर के साथ मिले। देखो जब भी हम 40,000 के बजट के अंदर एक नया लैपटॉप बाय करते हैं ना, तो कुछ चीजों का ख्याल हमें जरूर रखना चाहिए। लाइक कुछ चीजें जो कि आपने लैपटॉप बाय करने से पहले चेक करनी है। एक तो लैपटॉप की डिस्प्ले फुल एचडी होनी चाहिए। एचडी डिस्प्ले हमने बाय नहीं करनी एट प्राइस ऑफ 40,000 रुपीज। रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल होनी चाहिए ताकि आपका लैपटॉप अगले 3-4 साल तक इजिली चल जाए। आपने वो लैपटॉप बिल्कुल बाय नहीं करना जिसके अंदर आपको 4GB रैम मिल रही है। बैकलिट कीबोर्ड हो तो फिर बढ़िया, एंड बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए उसकी। एंड मैंने जितने भी लैपटॉप इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं ना, उन सबके बेंचमार्क स्कोर्स का कंपैरिजन करके सीक्वेंस बनाई है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे लैपटॉप बढ़िया होते रहेंगे। तो अपनी वीडियो का सबसे पहला लैपटॉप HP का HP 15S लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप अंडर 40,000 के बजट के अंदर ना एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। i3 का लेटेस्ट 12 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है। एक दो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर हमें काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाते हैं। बट फर्स्ट इसके अंदर हमें i3 का 12 15U प्रोसेसर दिया गया, 12 जनरेशन का 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स वाला। स्कोर्स आपके सामने, वीडियो को पॉज करके इसके प्रोसेसर के स्कोर्स को चेक कर सकते हो। 41,000 रुपीज लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। काफी बढ़िया प्राइस पे आपको लैपटॉप मिल जाएगा। 16GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में। DDR4 रैम है 3200 MHz वाली। 512GB की Gen 3 SSD है, विच इज एक्सपेंडेबल। रैम इसकी एक्सपेंडेबल नहीं है। 15.6 इंच की FHD एंटीग्लेयर डिस्प्ले, 250 nits की ब्राइटनेस एंड साथ में 45% NTSC। इंटेल के USD ग्राफिक्स के साथ ही आपको MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया लैपटॉप में। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड ये जो लैपटॉप है ये रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 50% बैटरी सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। 16GB रैम के साथ आपको MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है। गो फॉर इट। बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप असूस का असूस योबुक 14 लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप ना उनके लिए वन ऑफ दी परफेक्ट ऑप्शन रहेगा जो अपने लैपटॉप को अपने साथ कहीं पे भी कैरी करना चाहते हैं। 14 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है हमें लैपटॉप के अंदर। 38,000 रुपीज इसका करंट प्राइस चल रहा है। 180 डिग्री की हिंज एंड इसके अंदर हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। इसका मतलब होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, दैट इज सर्टिफाइड बाय इट्स कंपनी। कंपनी ने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है अपने लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी को बढ़िया बनाने के लिए। आफ्टर दैट लैपटॉप के अंदर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा एंड साथ में दिया गया प्राइवेसी शटर कैमरा। इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, 12 15U, 12 जनरेशन वाला, 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स। सेम प्रोसेसर है जो कि हमने HP 15S लैपटॉप के अंदर देखा था ना, दोनों के अंदर हमें सेम प्रोसेसर दिया गया। बट इसके अंदर हमें 8GB की रैम मिल जाती है। ऑनबोर्ड रैम है 3200 MHz वाली। देखो इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 24GB तक, साथ में 512GB की SSD विच इज आल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की एंटीग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 220 nits की ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट है। इंटेल की USD ग्राफिक्स। MS Office हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा, तो ये भी लैपटॉप आपने जरूर कंसीडर करना है। एक और चीज है, देखो अगर आपको ये लैपटॉप अनअवेलेबल या फिर ओवर प्राइस मिलता है, तो इसी सेम लैपटॉप का एक अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं है। एक दो एडिशनल फीचर्स का फर्क रहेगा, लेकिन उससे परफॉर्मेंस के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगी क्योंकि सेम रैम एंड स्टोरेज के साथ ही प्रोसेसर भी सेम है दोनों लैपटॉप का, HP 14S लैपटॉप। इसे भी आप कंसीडर कर सकते हो। दोनों के बेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला लैपटॉप फिर से HP का लैपटॉप है, HP 15S लैपटॉप। इसका जो करंट प्राइस है ना, दैट इज अराउंड 42,000 रुपीज। लैपटॉप के अंदर प्लास्टिक की बॉडी, बैकलाइट कीबोर्ड, बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है। टॉप रेट विद वॉइस कमांड, रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी है ना, वो सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। राइजन 5 प्रोसेसर है, 5500U, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला। देखो 40,000 के बजट के अंदर ना आपको AMD के काफी ज्यादा लैपटॉप मार्केट के अंदर मिल जाती है। 5300U प्रोसेसर मिल जाएगा, 5425U, 7320U एंड 5300U। इन सब के कंपैरिजन में ना जो 500U है उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है। स्कोर्स आपके सामने है। अब वीडियो को पॉज करके इन सारे स्कोर्स को अच्छे से चेक कर सकते हो कि जो 5500U की परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है। एक और चीज है, देखो इंटेल का जो i3 12 जनरेशन प्रोसेसर है ना, उसके कंपैरिजन में भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। 16GB की रैम है, DDR4 रैम है, 3200 MHz वाली, 512GB की SSD। स्टोरेज इसकी एक्सपेंडेबल है, रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। 15.6 इंच की FHD इंटीग्रेटेड डिस्प्ले, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। AMD की रेडियन ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। लैपटॉप के अंदर आपको 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, तो ये भी लैपटॉप आपने जरूर कंसीडर करना। वन ऑफ दी बेस्ट सेलिंग लैपटॉप एट दिस प्राइस पॉइंट। गो फॉर इट। बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो एक चीज है, सेम प्रोसेसर इससे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको Acer Aspire Lite लैपटॉप मिल जाएगा। मेटल बॉडी, 16GB की रैम। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि Acer के लैपटॉप के अंदर आपको MS Office नहीं मिलता। उसका प्राइस थोड़ा कम है, 36,000 रुपीज है। अगर आपको MS Office नहीं चाहिए, देन आप Acer Aspire Lite को जरूर कंसीडर करो। दोनों के अंदर आपको प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा मिल जाता है, बट स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। एक Honor का भी लैपटॉप आपको इसी रेट के अंदर मिल जाता है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, बट जो Honor का लैपटॉप है ना वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। एक तो उसके अंदर आपको 8GB की रैम मिल जाती है एंड ऊपर से उसकी रैम एक्सपेंडेबल भी नहीं है। तो इन सभी चीजों का आपने भी ध्यान रखना लैपटॉप बाय करने से पहले। ओके, Acer Aspire 5 लैपटॉप, लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर
प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप के अंदर दिया गया 37,000 रुपीज लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। टॉप लेट एल्यूमिनियम की मिल जाती है। इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है 1315U 13 जनरेशन का 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला। अब देखो जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर 1215U प्रोसेसर बताया था ना, ये उसका सक्सेसर प्रोसेसर है। ऑब्वियसली लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर है तो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिलेगी। इन सिंपल वर्ड्स अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे हैं ना, उन सब के कंपैरिजन में ये प्रोसेसर सबसे बढ़िया है। 8GB की रैम मिल जाती है, LPDDR5 रैम है विच इज एक्सपेंडेबल, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो इसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल तो है, लेकिन वो दोनों चीजें लेटेस्ट भी है। Gen 4 SSD फार बेटर है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। इसकी रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट है तो इसके अंदर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगी। 15.6 इंच के FHD TFT LCD डिस्प्ले, 45% NTSC है, इंटेल के USD ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा, तो ये भी आपने जरूर कंसिडर करना है। अगला लैपटॉप है एसर का, एसर एस्पायर 3 लैपटॉप, थिन एंड लाइट सीरीज का लैपटॉप है, लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर भी, 43,000 रुपीज लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। प्लास्टिक की बॉडी, एलिवेटेड डिजाइन है, काफी बढ़िया लगता है दिखने के अंदर। अब देखो सिर्फ और सिर्फ यही आपको एक ऐसा लैपटॉप मिल जाता है इस बजट के अंदर जो कि आपको i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर दे रहा है, 1235U 10 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला। स्कोर्स आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके इसके स्कोर्स को चेक कर सकते हो। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। 8GB की DDR4 RAM है 3200 MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच के FHD TN एंटीग्लेयर डिस्प्ले है, 220 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया लैपटॉप में, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, 2 स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको, तो ये भी लैपटॉप आपने जरूर कंसीडर करना है, लेटेस्ट प्रोसेसर है। अब देखो एक चीज है, ज़ेब्रोनिक्स का भी आपको एक नया लैपटॉप मिल जाएगा सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अंटिल आपके पास उसका सर्विस सेंटर नहीं है ना। बाकी ओवरऑल लैपटॉप काफी बढ़िया, इसी मंथ लॉन्च हुआ है, लेकिन उसकी आफ्टर सेल सर्विस में आपको दिक्कत ना मिले तो मेक श्योर के लैपटॉप बाय करने से पहले ना आपने ये चीज चेक करनी कि ज़ेब्रोनिक्स का सर्विस सेंटर होना चाहिए आपके आसपास। एंड नाउ जो मेरे अकॉर्डिंग इस बजट का सबसे बेस्ट लैपटॉप है, दैट इज असूस योबुक 15 लैपटॉप। देखो ये जो लैपटॉप है ना, ये टोटली ऑलराउंडर लैपटॉप है, आप इसके ऊपर कोडिंग कर सकते हो, ओकेजनल गेमिंग कर सकते हो, ऑफिस का काम हो गया, ऑटोकैड जैसे सारे सॉफ्टवेयर्स इजीली चल जाते हैं लैपटॉप पे। 40,000 रुपए लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 180 डिग्री की हिंच, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड साथ में प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सारी चीजें आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। i3 का 1220p प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, 12 जनरेशन का 10 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला। देखो है तो ये i3 का 1220p प्रोसेसर, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो आपको अभी तक के जितने भी प्रोसेसर हम इस वीडियो के अंदर देख चुके ना, उन सबके कंपैरिजन में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाती है, क्योंकि ये जो पी सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करने के लिए बने होते हैं। जितने भी यू सीरीज के प्रोसेसर है ना, उनका बैटरी बैकअप काफी बढ़िया है, बट उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पी सीरीज के कंपैरिजन में काफी कम है। स्कोर्स आपके सामने, वीडियो को पॉज करके इसके स्कोर्स को अच्छे से चेक कर सकते हो। 8GB की रैम है विच इज एक्सपेंडेबल टू 24GB, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच के FHD एंटीग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले, 200 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC, इंटेल के USD ग्राफिक्स हो गए, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया लैपटॉप में, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया एंड इसके अंदर आपको बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड, तो ये भी लैपटॉप आपने जरूर कंसीडर करना है, परफेक्ट लैपटॉप आपके लिए, गो फॉर इट। इसका जो बेस्ट स्पेलिंग का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो सिंपल चीज है कि ये जो असूस का 12th जनरेशन लैपटॉप है ना, 1220p वाला, ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है इस बजट के अंदर। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो एंड अगर आपको 14 इंच के डिस्प्ले साइज में लैपटॉप चाहिए तो आप 5500U एंड 1215U ये दोनों प्रोसेसर में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो। एंड अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।